बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि गुनाहों की बख्शीश के लिए बेहतरीन दुआ बता दे। हर दुआ यकीनन बेहतर है, और गुनाह की माफी के लिए जो बेहतरीन सबब है ना, वो है नदामत। हदीस पाक में अन नदमो तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है। तो जब बंदा गुनाह को तस्लीम करेगा कि हो तो गुनाह गया है मुझसे, अब इस पर ये दिल से शर्मिंदा भी है। खाली चप्पा तो मार लेने का नाम तौबा नहीं है, तौबा 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 ये नहीं, हंसते हंसते भी करते होंगे तौबा, बल्कि दिल में नदामत हो, शर्मिंदगी हो, और इसको तस्लीम भी करे, एतराफ़ भी करे, कबूल करे कि वाकई मुझसे ये गुनाह हुआ है, दिल इसका बिल्कुल तस्लीम करे इसको। और साथ ही ये गुनाह तौबा करे अल्लाह से कि मेरा ये गुनाह हुआ, मैं तौबा करता हूँ, इसको वापस लेता हूँ इस चीज़ को कि मैं ये गलत हो गया, मुझसे भूल हो गई, और आइंदा कभी भी नहीं करूँगा ये भी पक्का अहद हो, तो ये तौबा होती है और ये बेहतरीन तरीका है। अलबत्ता कुरान और अहादीस में भी दुआएं आई हैं गुनाहों की माफ़ी की। अब ये कि यूँ तो हर दुआ बेहतरीन ही है, उसको मतलब हम नऊज़ु बिल्लाह ये नहीं कह सकते कि ये दुआ अच्छी नहीं है और ये दुआ अच्छी है, हर दुआ अच्छी है। अद्दुआ व मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है और दिल की गहराई से हो, वाकई दिल की गहराई से हो, ज़बान की गहराई से ना हो।